हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज आपकी लाइव क्लास का सेशन पार्ट 5 है। कल नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आपका ऑफलाइन वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दिया गया था। आई होप सभी लोगों ने वीडियो को देख लिया होगा। वीडियो में लाइक कमेंट जरूर कर दिया करें, इससे पता चल जाता है कितने लोगों ने वीडियो को देखा है। इसको शेयर कर दें कि आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है और अधिक से अधिक बच्चे यहाँ पर उपस्थित हो जाएं। बच्चे ग्रुप में शेयर कर दें और भी बच्चों से कांटेक्ट कर लें कि आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो गई है, सभी लोग उपस्थित हो जाएं अपने लाइव सेशन पे। और व्यूअर्स को बढ़ाइए, लाइक कमेंट करते जाएं। जो लोग आ चुके हों, जो लोग लाइव सेशन में आ चुके हों, वो कमेंट में यस लिखें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जल्दी से व्यूअर्स को बढ़ाएं। बच्चों, कल आपकी जो एक्सरसाइज थी 5B एक्सरसाइज, उसको कल कंप्लीट कर दिया गया था और 5B एक्सरसाइज के 15 क्वेश्चंस आपको करा दिए गए थे और कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए गए थे। दो क्वेश्चंस बच्चों ने होमवर्क में पूछा था, उनको क्लियर नहीं हो रहे थे, तो उसकी भी फ़ोटो खींच करके, उसके सोल्यूशन की फ़ोटो खींच करके मैंने उसी वीडियो के साथ अपलोड कर दिया था। उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको देख लिया होगा। आप लोगों ने उसको देख लिया होगा। फाइव बी एक्सरसाइज में चार क्वेश्चंस आपके और थे, 16, 17, 18, 19। अगर आप लोगों के पास हर्षरूप शर्मा की किताब हो तो आप उसमें देख सकते हैं कि आपके पास चार क्वेश्चन और बचते हैं 5B में, वो अवकलनीयता के क्वेश्चंस हैं। तो जब आपको अवकलनीयता टॉपिक हम डिस्कस करेंगे तो फिर उसको वहाँ पर बताएंगे। अभी हम लोग अवकलन की बात कर रहे हैं, तो अवकलन के क्वेश्चंस की चर्चा कर रहे हैं। तो 5B में अवकलन का टॉपिक आपका क्लियर हो गया है। अब 5C एक्सरसाइज आज हम लोग लगाएंगे। 5C एक्सरसाइज की आज हम लोग चर्चा करेंगे। 5C एक्सरसाइज में आपके जो फलन आपने पढ़े हैं, जिन फलनों का आपने अवकलन किया है, 5C में आपके पास फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, उनका आपको अवकलन करना है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, उनका आज आप अवकलन करेंगे 5C एक्सरसाइज में। अभी तक आप लोगों ने अलजेब्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, ट्रिग्नोमेट्रिकल का किया, ठीक है, लॉग फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को आपने किए, कुछ प्रॉपर्टी लगा करके किए, प्रॉपर्टी लगाई उसके बाद क्वेश्चंस को किया। आज हम लोग इनवर्स का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, बिल्कुल वैसे ही है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। फार्मूला आई होप आप लोगों को, सभी लोगों को तैयार होगा। तो फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उसी टाइप से जैसे हम लोग करते आ रहे थे वैसे ही क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो जल्द से जल्द लोगों को शेयर कर दें वीडियो को, लाइक कमेंट करते रहें और बता दें कि आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है। व्यूअर्स को बढ़ाएं, लाइक और कमेंट करते रहें। अधिक से अधिक व्यूअर्स को बढ़ाएं ताकि आपकी क्लास रन हो सके। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, लाइक कमेंट करते रहें, व्यूअर्स को बढ़ाएं।
लाइक कमेंट करते रहें। क्लास 12th के बच्चे जो भी यहाँ पर हों कमेंट में यस लिखें, अपनी प्रेजेंट ही दे दें, कमेंट में यस सर लिख दें। भाई जो बच्चे हों क्लास 12th के वो अपनी प्रेजेंट ही दे दें, कमेंट में यस सर लिख दें, लाइक कमेंट करते रहें। वीडियो शेयर कर दें, बता दें कि आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है, सभी लोग लाइव सेशन में आ जाएं। लाइक कमेंट करते रहें। सभी को वीडियो क्लियर नजर आ रहा है? वीडियो सभी को क्लियर नजर आ रहा है? व्यूअर्स को बढ़ाएं, लाइक कमेंट करते रहें। चलिए 8 बज चुके हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करने का समय हो गया है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को बता दें, वीडियो को शेयर कर दें और बता दें कि आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है। तो कल आपका लाइव सेशन पार्ट 4 था और उसकी मैंने ऑफलाइन वीडियो रिकॉर्ड करके आपके फेसबुक हमारे फेसबुक अकाउंट में डाल दिया गया था और आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। तो जो भी वीडियो आप देखते हैं उसको लाइक और कमेंट जरूर कर दें, तो इससे क्लियर हो जाता है कि कितने लोगों ने वीडियो को देखा है। उसको लाइक कमेंट जरूर किया करें वीडियो को। तो पार्ट 4 में क्या क्या हुआ था उसको सब मैंने आपको पोस्ट कर दिया था वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में। तो क्या हुआ था एक बार उसको देख लेते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन था, बच्चे ने पूछा था, तो ये हमने बताया था कल। डिफरेंशिएशन करना था लॉग का, लॉग ए एक्स प्लस बी अपॉन पी एक्स प्लस क्यू, इसको हमने लगाया था। इसके बाद 5B एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ये क्वेश्चन नंबर 11 था, दो क्वेश्चन थे आपके पास, एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये है आपका। 12 में आपके पास दो क्वेश्चन थे, फर्स्ट सेकंड से लगाया गया था, फर्स्ट इनटू सेकंड, ये भी एक क्वेश्चन था फर्स्ट इनटू सेकंड का, तो ये लगा हुआ है आपका। 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 का ये भी आपके पास क्वेश्चन था जिसको आप लोगों ने पूछा था, तो 12 का ये बचा हुआ क्वेश्चन है आपके पास, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 में तीन क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये आपका साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, इसको आपने ऐसे लगाया, इसका शेष भाग यहाँ पर है, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 13 का सेकंड क्वेश्चन,
थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 13 में हमें जब बुक्स का फोटो मिला था तो उसमें आपके पास ये शायद इनटू में क्वेश्चन है, ठीक है? ये दोनों इनटू में क्वेश्चंस हैं, कॉस एक्स क्यूब इनटू साइन एक्स स्क्वायर की पावर, साइन एक्स स्क्वायर की साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये क्वेश्चन शायद है। और इसको बुक में हमें ये कॉमा नज़र आ रहा था तो मैंने अलग अलग कर दिया है, लेकिन बच्चे ने क्वेश्चंस भेजा था तो मैंने इसको यहाँ पर ये सॉल्व किया हुआ है, कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अगर ये दोनों इनटू में है तो इस तरीके से लगेंगे, कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स की साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, फर्स्ट सेकंड का यूज़ होगा और इस तरीके से क्वेश्चंस लगेगा। और इसकी भी फ़ोटो सेशन पार्ट 4 का जो वीडियो है उसी के साथ मैंने ये वहाँ पर अपलोड किया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन अगर इनटू में है तो ये इस तरीके से लगेगा, फर्स्ट सेकंड से अगर इनटू में है तो इस तरीके से लगाएंगे, और अगर आपका ये अलग अलग है तो अलग अलग आप इस तरीके से कर सकते हैं, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, साइन एक्स अंश 2/π साइन एक्स अंश और सेक एक्स अंश, ये तीन क्वेश्चंस आपके पास थे तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। ओके, इसके बाद आपका ये सेकंड क्वेश्चन है, देख लीजिए, ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, और ये देखिए इसका होमवर्क है, सेक एक्स अंश, और ये देखिए ये होमवर्क दिया था मैंने, और ये 15 नंबर क्वेश्चन हुआ आपका, उसमें एक क्वेश्चन था आपका, और ये 5 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए थे, ये 5 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में आपको दिए थे, काफ़ी लोगों ने लगा लिया था क्वेश्चन को और फोटो भेजा था व्हाट्सएप ग्रुप में कई लोगों ने, तो सही लगा था काफ़ी लोगों का। तो ये देखिए आपके पास 5 क्वेश्चन थे जो मैंने होमवर्क में दिए थे, तो इसमें ये क्वेश्चन बच्चे ने पूछा था तो इसको भी मैंने सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया था, और इसमें जहाँ वीडियो पड़ी हुई है पार्ट 4 की तो उसके साथ भी मैंने इसको अपलोड कर दिया था। इसको आपको दिखा दें किस तरीके से लगा हुआ है, ये आपका है होमवर्क का क्वेश्चन, ये देखिए d/dx log अंडर रूट साइन e की पावर x, इसको आप प्रॉपर्टी लगा देंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, और फिर ये लॉग को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, फिर साइन का फॉर्म लगा देंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। पंद्रह हिमांशु सिंह, 15 के बाद क्वेश्चन कैसे करना है, तो बेटा 15 के बाद जो क्वेश्चन है वो अवकलनीयता के हैं, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी अवकलन के टॉपिक चल रहे हैं इसलिए अवकलन पूरा लेके चल रहे हैं, तो अवकलनीयता पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे किस तरीके से लगाना है। अवकलनीयता के लिए आपको पूरा एक टॉपिक हमें पढ़ाना पड़ेगा, बासी तो दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा देख लीजिए अब दिखाई पड़ रहा है, देखिए दिखाई पड़ रहा है भाई, जल्दी से कमेंट करें, यस दिखाई पड़ रहा हो, कमेंट में यस करें, अभी दिखने लगेगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज नेटवर्क ठीक है, आज बादल भी नहीं है तो दिखने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आज बिल्कुल ओके है मौसम, ठीक है दिखने लगेगा, आप टेंशन ना लो, पैनिक ना हो। तो ये देखिए लॉग अंडर रूट साइन ई की पावर एक्स, ये आपका था, और ये जो मैंने क्वेश्चन बताया था कॉस एक्स क्यूब और साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ठीक है, तो ये इनटू में था क्वेश्चन, तो अगर ये इनटू में है तो फर्स्ट सेकंड से इस तरीके से लगेगा, ओके, इनटू में है तो फर्स्ट सेकंड से ये क्वेश्चन आपका लगेगा। तो देख लीजिएगा ये फोटो मैंने वहां पर भेज दी है, वीडियो के पास भी वो पड़ी हुई है फोटो, और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दिया है, तो ये क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा, और ये आपका लॉग क्वेश्चंस है। इसके बाद 5B एक्सरसाइज में जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो अवकलनीयता के हैं, वो आपको टॉपिक जब हम पढ़ाएंगे तब आपको वो टॉपिक क्लियर होगा, तब आप उस क्वेश्चंस को लगा पाएंगे, ठीक है, तो इसलिए वो क्वेश्चन अभी हम नहीं करा रहे हैं, वो टॉपिक पढ़ाएंगे तब कराएंगे। तो आज हम लोग 5C एक्सरसाइज को करेंगे,
देखिए 5C एक्सरसाइज में आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये 5B में 16, 17, 18, 19 ये अवकलनीयता के टॉपिक हैं, अवकलनीयता के टॉपिक हैं, तो इसको हम बाद में करेंगे, आपको बता देंगे। उसके बाद फिर आप लोग कैसे लगाएंगे वो देखेंगे। अब 5C एक्सरसाइज पे चल रहा है। इसमें देखिए अभी तक जो फंक्शन मिल रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिकल थे, लॉग के थे, है ना, अलजेब्रिकल थे, लेकिन अब जो फंक्शन मिल रहा है वो इन्वर्स है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इन्वर्स फंक्शन है, ठीक है। इनको किस तरीके से डिफरेंशिएट करना है ये हम देखेंगे। तो इनका भी डिफरेंशिएशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे बताया गया था, ठीक है। तो आपके जैसे ये फार्मूले आपने देखे थे, ये देखिए अगर अलजेब्रिकल है, एक्स की पावर एन टाइप है, ऐसे लगेगा ई की पावर एक्स, ये फार्मूला होता है, लॉग एक्स का ये होता है, साइन मिल गया तो ये होता है, ठीक है, लॉग मिल गया तो फार्मूला ये होता है। तो अगर कोई इन्वर्स है तो फार्मूले ये होते हैं, ओके। अगर इन्वर्स है तो फार्मूले आपके ये होते हैं, देखिए जैसे साइन इन्वर्स एक्स है तो 1/√1 − स्क्वायर होता है, कॉस इन्वर्स एक्स है तो डिफ्रेंशिएशन −1/√1 − स्क्वायर होता है, टैन इन्वर्स एक्स है, टैन इन्वर्स एक्स है तो 1/1 + स्क्वायर होता है, अगर कॉट इन्वर्स एक्स है तो −1/1 + स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर सेक इनवर्स एक्स है तो 1/(x√x)² − 1 होगा, अगर आपका कॉसेक इनवर्स एक्स है तो उसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो −1/(x√x)² − 1 हो जाएगा। तो अगर इन्वर्स में आपके पास कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से आप इसको लगाएंगे, ये फार्मूले हैं आपके, तो इनका यूज हम करेंगे, ओके। तो चलिए 5C एक्सरसाइज पे हम लोग आ रहे हैं, और 5C एक्सरसाइज में आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो 5C एक्सरसाइज की बात करें, तो इसमें आपके पास चार क्वेश्चंस हैं 5C में। पहला क्वेश्चन आपके पास है, आपको अवकलन करना है साइन इनवर्स ए एक्स, ठीक है, यक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स ए एक्स, दूसरा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स x/a, तीसरा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 2x/5, और नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2x। ये चार क्वेश्चंस आपके दिए हैं, ठीक है, क्लियर दिख रहा है, लाइक कमेंट कर दें, वीडियो क्लियर नजर आ रहा है, लाइक कमेंट कर दें। चलिए तो इनको हम करते हैं, तो ये देखिए हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं साइन इनवर्स ए एक्स का। तो देखिए मैंने कहा था बिल्कुल वैसा ही फार्मूला है जैसे अभी तक आप करते आ रहे थे, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। तो आपको देखिए साइन इनवर्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स। तो आप अपने फार्मूले को देखिए और इसमें आप देखिए कि फार्मूला किसका बनना है। देखिए साइन इनवर्स का फार्मूला होता है 1/√1 − x², क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 − x². तो अगर आप इसको यक्स कहें, किसको, ए यक्स को अगर हम यक्स कहें, तो चलिए फॉर्मूला लगाइए, इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, ये देखिए इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√1 − x की जगह पे क्या है वो हमने लिख दिया ax². अब यक्स तो है नहीं, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे ए एक्स को, ठीक, तो ये हो गया 1/√1 − a² x² इंटू ए कॉन्स्टेंट बाहर कर लिया और डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स को, तो ये हो गया a/√1 − a² x² और यक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1, ओके। तो आपके पास वैल्यू आ गई
ए अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए साइन इनवर्स ए एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया, क्लियर है? ओके, लाइक कमेंट कर दें, सभी को क्लियर हो गया, आगे चलें। देखिए सेम क्वेश्चन, कॉस इनवर्स यक्स अपान ए, इसको अगर डिफरेंशिएट करें कॉस इनवर्स एक्स अपान ए, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे देखो फिर वही फार्मूला किसका बन रहा है, ये देखिए, ये देखिए कॉस इनवर्स बन रहा है। कॉस इनवर्स का होता है माइनस वन अपान अंडर रूट वन माइनस स्क्वायर। तो अगर आप इसको अप्लाई करें तो देखिए कॉस इनवर्स एक्स अपान ए, अगर आप इसको अप्लाई करें तो माइनस का वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स अपान ए का स्क्वायर। यक्स तो है नहीं, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे, यक्स अपान ए को करेंगे। ओके, इसको देखिए आप सॉल्व भी कर सकते हैं अंडर रूट में, इसमें देखिए ए स्क्वायर अगर एलसीएम लें तो यहां हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर हो जाएगा, और जब एलसीएम लेंगे तो इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें देखिए कांस्टेंट क्या है, यक्स अपान ए, तो ये जो अपान में ए है वो तो कांस्टेंट ही है ना, तो इसको तो आप बाहर कर सकते हैं, तो वन अपान ए बाहर हो गया कांस्टेंट, डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे, एक्स को। ये देखिए जब ए स्क्वायर है तो अपान में कितना आएगा ए, और ए चला जाएगा ऊपर, तो ए अपान अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। ये देखिए जब रूट अलग अलग करेंगे तो इसका रूट अलग और रूट ए स्क्वायर अलग, तो ये ए बचेगा और ए आपका अंश में चला जाएगा, इनटू में आपके पास है वन अपान ए, और यक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन, ये ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो वन अपान अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू हो गई। ओके, क्लियर नहीं दिख रहा है बाशु, तो ठीक है रिफ्रेश कर लीजिए, अभी कोई समस्या नहीं, आप पैनिक ना हो रही है, अभी दिखने लगेगा, ठीक है, सभी को नज़र आ रहा है, लाइक कमेंट करें। तो ये देखिए कॉस इनवर्स यक्स अपान ए का डिफरेंशिएशन हो गया आपके पास, कॉस इनवर्स यक्स अपान ए का ये डिफरेंशिएशन हो गया। आगे देखिए कॉस इनवर्स टू एक्स अपान फाइव, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, थर्ड क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, टू एक्स अपान फाइव, ये भी देखिए कॉस इनवर्स है, तो कॉस इनवर्स का फॉर्म लग रहा है, तो कॉस इनवर्स का फार्मूला ये देखिए फिर वही चीज़ है आपके पास, कॉस इनवर्स एक्स का माइनस वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब आप इसको अप्लाई करेंगे देखिए कॉस इनवर्स एक्स का लगाया तो माइनस का वन अपान अंडर रूट में वन माइनस टू एक्स अपान फाइव का स्क्वायर इंटू, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे चूंकि यक्स नहीं है ये, टू एक्स अपान फाइव को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके बेटा पैनिक ना हो, दिखने लगेगा, आप रिफ्रेश कर लें अपने नेटवर्क को रिफ्रेश कर लें, दिखने लगेगा, ठीक है, नेटवर्क को रिफ्रेश कर लें तो दिखाई देने लगेगा, आप परेशान ना हो, अभी क्लियर हो जाएगा, नेटवर्क एक बार रिफ्रेश कर लें, यहाँ से बिल्कुल क्लियर है और बढ़िया नेटवर्क आ रहा है, स्पीड भी अच्छी आ रही है, नेटवर्क को रिफ्रेश कर लें आप एक बार अपने, आप अपने नेटवर्क को एक बार रिफ्रेश कर लें, जिन लोगों को दिख रहा हो कमेंट में यस लिखें, लाइक कमेंट करें, जिन लोगों को दिखाई पड़ रहा हो कमेंट में लाइक कमेंट करें, यस लिखें जिनको दिखाई पड़ रहा हो, श्यामू यादव कह रहे दिखने का, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए श्यामू जी, नेटवर्क को रिफ्रेश कर लीजिए, रिफ्रेश करने के लिए अपने मोबाइल को एयरप्लेन मोड पर डाल दिया करें, बिना कुछ किसी को करें, बस ऊपर से उसको क्लिक करें और एयरप्लेन मोड में डाल दें और फिर उसके बाद उसको ओके कर दें, बस तो रिफ्रेश हो जाता है।
जिन लोगों को दिख रहा हो लाइक कमेंट करें, यस लिखें, जल्दी से लाइक कमेंट करें। ओके, तो आगे चले हम लोग। ओके, हेमंत पटेल, यस, महेंद्र कुमार, यस, ओके ओके, ठीक है। तो एक बार अपने स्क्रीन को टच कर लिया करें, तो नेटवर्क में थोड़ा देख लिया करें कि नेटवर्क है नहीं कि मोबाइल में, तो आप पैनिक ना हो, आराम से दिखेगा, बाकी ऑफलाइन भी पड़ा रहता है, आप आवाज़ को सुने क्लियर। नेटवर्क रिफ्रेश कर लो ऋषि यादव, ठीक है, जिसमें रैम कम होती है उसमें भी प्रॉब्लम होती है लाइव वीडियो चलने में, ठीक। तो अब बाद में आप ऑफलाइन भी देख सकते हैं, आप पैनिक ना हो, बाद में आप उसको देख लीजिएगा आराम से, ठीक है। अभी आप आवाज़ देखें और जो भी दिक्कत हो तो उसको आप बताते जाएं, और एक बार नेटवर्क जरूर रिफ्रेश कर लें अपना और देख लें कि पूरे नेटवर्क आ रहे हैं कि नहीं आ रहा। आगे चले हम लोग, आगे बढ़े। जिनको दिखाई नहीं पड़ रहा नेटवर्क रिफ्रेश कर लें, बाकी आप पैनिक ना हो, आराम से बने रहें वीडियो पर, आपको दिखाई पड़ने लगेगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा बेटा अभी आप, ठीक है, परेशान ना हो। अभी दिख रहा है, जल्दी से बताएं, दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है सभी को। ओके, चलें। तो देखिए, बात कर रहे थे डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स 2x/5 की, तो इसमें भी कॉस इनवर्स एस का फॉर्म लगाया, तो माइनस का 1/√(1 − s²). अब एक्स तो था नहीं है, तो अगेन डिफ्रेंशिएट किया इसको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं माइनस का 1/, ये देखिए, ये जब अलग अलग करेंगे तो 4x²/25, एलसीएम लेंगे तो 25 यहाँ हो गया, डिवाइड में 25 आएगा, तो इसको हम ऊपर भेज रहे हैं, ठीक है। तो 25 जब ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, 5, ठीक है, और ये हो जाएगा 25 माइनस का 4x², रूट के बाहर, रूट के बाहर जब 25 आएगा तो 5 बचेगा और 5 ऊपर चला गया, ठीक। देखिए 2/5 कांस्टेंट है, बाहर कर लिया, डिफरेंशिएट किसको करेंगे, एक्स को, ये देखिए 5 5 कैंसिल, तो ये हो गया माइनस का 2/√(25 माइनस का 4x² और यक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो आपका आंसर आ गया माइनस 2/√(25 माइनस का 4x², ये आपका आंसर आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन आपके पास है फर्स्ट का, साइन इनवर्स 2x, तो देखिए इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, साइन इनवर्स 2x को, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स है तो फार्मूला किसका बन रहा है, साइन इनवर्स का, ठीक है। ये देखिए साइन इनवर्स एस का फार्मूला होता है 1/√(1 − s², तो अगर आप इसको ये फार्मूला अप्लाई करें तो साइन इनवर्स ऐसा क्या होता है, 1/√(1 − 2x² हो जाएगा, यक्स तो है नहीं, अगेन डिफ्रेंशिएट करिए, तो डी बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे, ओके। तो 1/√(1 − 4x² इंटू, ये देखिए 2 बाहर कर लीजिए और यक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे आप, तो ये हो गया 2/√(1 − 4x² और यक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, तो वैल्यू हो गई 2/√(1 − 4x² तो ये देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इस तरीके से। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, जल्दी से लाइक कमेंट करना, ठीक है, लाइक कमेंट करते रहा करें, इससे ये होता है ना कि आपको क्लियरिटी थोड़ा सा टच भी होता रहता है स्क्रीन, तो और भी ज़्यादा क्लियर होता रहता है। सौरभ कुमार दिखाई नहीं दे रहा है, तो बेटा दिखने लगेगा नेटवर्क में, आप देख लो, चेक कर लो अपना, ठीक है, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लो, देखने लगेगा, यहाँ नेटवर्क बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, स्पीड भी बहुत अच्छी आ रही है, इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो ये आपका 5C के 4 क्वेश्चन थे आपके पास, जो कि आपने लगाया है इसको। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दो क्वेश्चन आपके पास हैं, पहला क्वेश्चन आपका है लॉग
टैन इनवर्स एक्स, और बेस में ई है, बेस में कुछ नहीं है तब भी ई ही मानेंगे। और दूसरा क्वेश्चन आपके पास है लॉग साइन इनवर्स एक्स, और इसके बेस में भी ई है। ये दो क्वेश्चन आपके पास हैं और इसको आपको करना है। ओके, तो चलिए पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिखा डी बाई डी एक्स लॉग टैन इनवर्स एक्स, और बेस में क्या है ई। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, टैन इनवर्स एक्स के पहले लॉग है, ठीक है। टैन इनवर्स एक्स के पहले क्या दिया गया है, लॉग दिया गया है। ऐसा नहीं दिया गया है, ये देखिए, कि आपका लॉग एक्स हो और इंटू टैन इनवर्स हो। अगर ऐसा है तो यहाँ पर दो फंक्शन हो जाते हैं, देखिए लॉग एक्स इंटू टैन इनवर्स, अगर ऐसा दिया गया तो दो फंक्शन हो जाएंगे, लेकिन ऐसा आपके पास नहीं है। आपके पास क्या है, लॉग टैन इनवर्स एक्स, मतलब टैन इनवर्स एक्स कहाँ पर है, लॉग के अंदर है। तो फार्मूला किसका बन रहा है, तो फार्मूला बन रहा है लॉग का, पहले बन रहा है, ठीक है। तो लॉग का फार्मूला क्या होता है, देखो लॉग का फार्मूला अगर बेस में ई है तो ये होता है वन अपान एक्स। लॉग का फार्मूला अगर बेस में ई है तो क्या होता है, वन अपान एक्स। तो चलिए इसको ट्रीट करते हैं। तो अगर इसको हम लॉग कहें तो लॉग को अगर हम लगाएंगे तो क्या होगा, वन अपान एक्स, एक्स का मतलब टैन इनवर्स एक्स। अब देखिए यहाँ पर ये आपने जब इसको लिख दिया तो अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, टैन इनवर्स एक्स को, चूंकि एक्स तो था नहीं है, तो ये हो गया वन अपान टैन इनवर्स एक्स। अब देखो डी बाई डी एक्स टैन इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स टैन इनवर्स एक्स, इसको आपको करना है, ठीक। तो टैन इनवर्स एक्स को जब आप करोगे तो देखिए टैन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलिए इसको लगाइए, तो ये हो गया वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा इसको ऊपर ना भेज दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ये इनवर्स है, इनवर्स का कुछ नहीं होता, इनवर्स का पक्षांतर होता है, ये इनवर्स ऊपर नहीं जाएगा, होल ऑफ इनवर्स होता तब ऊपर चला जाता, लेकिन ये टैन का इनवर्स है तो ये ऊपर नहीं जा सकता। तो ये हो गया वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू टैन इनवर्स एक्स, ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया। ओके, क्लियर है, आवाज़ नहीं क्लियर आ रही है। ओके बेटा, आवाज़ क्लियर आएगी, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। अभी आ रही है आवाज़ क्लियर, आवाज़ क्लियर आ रही है विकास सिंह, आवाज़ क्लियर आ रही हो का लाइक कमेंट करते जाएं, यस लिखते जाएं भाई। वन अपान वन प्लस स्क्वायर टैन इनवर्स एक्स, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे, आगे चले, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं लॉग साइन इनवर्स एक्स की। तो डी बाई डी एक्स लॉग साइन इनवर्स एक्स, बेस में क्या आपके पास है ई, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलिए जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, लॉग साइन इनवर्स एक्स, ये देखिए लॉग साइन इनवर्स एक्स दिया गया है, तो इसको आप देख सकते हैं कि इसमें भी साइन इनवर्स एक्स कहां पर है, लॉग में है। तो फार्मूला किसका बन रहा है, लॉग एक्स का पहले बन रहा है, ठीक है। तो लॉग एक्स का फार्मूला क्या होता है, लॉग एक्स का होता है वन अपान एक्स, तो इसका हो जाएगा वन अपान साइन इनवर्स एक्स। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन इनवर्स एक्स को, वन अपान साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का लगा दीजिए, साइन इनवर्स क्या बताया था, वन अपान अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो वैल्यू आ गई वन अपान अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया साइन इनवर्स एक्स, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, लाइक कमेंट करते रहें, सारांश कह रहे हैं कि दिख नहीं रहा है। ओके बेटा, दिखाई पड़ रहा है, लाइक कमेंट करते हैं, नेटवर्क चेक कर लें, अपना रिफ्रेश कर लें नेटवर्क को। तो ये देखिए आपके पास ये भी क्वेश्चंस हो गया, ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड के, दोनों क्वेश्चन आपके पास हो चुके हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में तीन क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के तीन क्वेश्चन आपके पास देखिए। पहला क्वेश्चन आपका है सेक टैन इनवर्स एक्स, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है कॉस ए साइन इनवर्स वन अपान एक्स,
तीसरा क्वेश्चन है, कॉट कास इनवर्स एक्स, तीसरा क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है। तो चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से करेंगे। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देखिए आपको डिफ्रेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स सेक टैन इनवर्स एक्स, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए यहाँ पर भी आप बिल्कुल देखिए, सेक का एंगल टैन इनवर्स एक्स है, सेक के अंदर क्या है टैन इनवर्स एक्स, सेक एक्स टैन इनवर्स एक्स नहीं है। अगर सेक एक्स भी लिखा होता, टैन इनवर्स लिखा होता, तो उसका मतलब फर्स्ट सेकंड लगता, लेकिन सेक का एंगल टैन इनवर्स मतलब सेक का फार्मूला बन रहा था। सेक का फार्मूला क्या होता है ये आप देख सकते हैं, सेक का फार्मूला होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, सेक एक्स का फार्मूला होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो चलिए इस फार्मूले को लगाते हैं, जब sec का फॉर्मूला लगाया तो क्या होता है sec x इंटू टैन एक्स, तो ये हो जाएगा sec tan इनवर्स x और tan tan इनवर्स x, sec x tan x ये हो गया। अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे tan इनवर्स x को, क्योंकि x तो है नहीं है। और ये देखिए ये जो नजर आ रहा है, ये आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ाया जाएगा, तो उसके कुछ फार्मूले आपको याद रखने होंगे। तो ये उसी का फॉर्मूला बना था, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होते हैं वैसे ही प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के फॉर्मूले होते हैं। तो ये देखिए tan tan इनवर्स x, ये जो होता है tan tan इनवर्स x, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है x। तो ये क्या हो गया आपके पास sec tan इनवर्स x इंटू x, और tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो आंसर आ गया x sec tan इनवर्स x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही आपका अगर cot cot इनवर्स x है तो उसकी वैल्यू x हो जाएगी। अच्छा अगर ये tan इनवर्स पहले होता, ठीक, तो इसकी वैल्यू भी x ही होती है, ठीक है। tan इनवर्स tan x की वैल्यू भी क्या होती है x ही होती। कह रहा दिख नहीं रहा है, ओके बेटा पैनिक ना हो, दिखने लगेगा। आपने नेटवर्क को रिफ्रेश कर लीजिए, नेटवर्क को एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, दिखने लगेगा। और लाइक कमेंट करते रहें वीडियो में, लाइक कमेंट करते रहें, ठीक है। तो जैसे tan tan इनवर्स x होता है, वैसे ही tan इनवर्स tan x भी क्या होता है x होता है। तो ये आपका देखिए इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। आगे जब आप इसको करेंगे तो इसमें भी कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है, आगे इस तरह से क्वेश्चंस लगेंगे आपके। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है कॉस ए साइन वर्स एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ओके। तो डी बाई डी एक्स आपको डिफ्रेंशिएट करना है कॉस ए साइन इनवर्स वन अपान एक्स। देखिए कॉस के एंगल में है ए साइन वर्स वन अपान एक्स, तो मतलब फार्मूला किसका बन रहा है कॉस एक्स का। कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। यक्स तो है नहीं, अगेन डिफ्रेंशिएट करिए, ये हो गया माइनस साइन ए साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स। अब ये देखिए ए कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स को। माइनस साइन ए साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स, ए कांस्टेंट है, और ये देखिए साइन वर्स वन अपॉन एक्स, इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन वर्स इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस फार्मूले को अप्लाई करें तो वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, यक्स की जगह वन अपान एक्स था, अब यक्स तो है नहीं है, तो अगेन डिफ्रेंशिएट कर दीजिए किसको, वन अपान एक्स को। ये देखिए हो गया माइनस का ए, ए पहले लिख लिया साइन ए साइन इनवर्स वन अपान एक्स, ठीक है, इनटू ये देखिए जब आप एलसीएम लेंगे तो यक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो रूट के बाहर यक्स आएगा, तो यक्स अपान क्या हो जाएगा अंडर रूट में यक्स स्क्वायर माइनस वन। और ये देखिए वन अपान एक्स, वन अपान एक्स का बताया था ना डिफ्रेंशिएशन, माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो वैल्यू आ गई ए साइन ए
साइन इनवर्स 1/x, और ये हो गया एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ये इसका आंसर हो गया। ओके क्लियर है। मोहम्मद इरफान कह रहे हैं सर दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप बेटा आप पैनिक ना हो, अपने नेटवर्क को रिफ्रेश कर लें, दिखाई देने लगेगा। अभी लाइक कमेंट करें, दिख रहा है, बाद में ऑफलाइन वीडियो भी पढ़ा है इसको, आप देख सकते हैं चला करके, ऑफलाइन वीडियो ये पढ़ा रहेगा तो आप इसको देख लीजिएगा, लाइक कमेंट करें जल्दी से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड ये आपका होमवर्क दे दिया जाए कि आप इसको लगा लेंगे, जल्दी से लाइक करें, जल्दी से लिखें कि आप लगा लेंगे, यस लिखें अगर लग जाए तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ओके काट कॉस इनवर्स एक्स, ये आपका होमवर्क, काट कॉस इनवर्स एक्स आपका होमवर्क दे रहे हैं कि आप इसको लगा लेंगे, जल्दी से लाइक करें, कमेंट करें। ओके लग जाएगा, ठीक है, तो इसको आप लगा लीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पर। और वीडियो को भी शेयर कर दें, देखिए आज व्यूवर्स कम है अभी नज़र आ रहे हैं इसमें, इसको शेयर कर देंगे कि लाइव जरूर आ करें। लाइव रहने में क्या होता है कि पता चलता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आप उसको तुरंत डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चार, चार में आपके पास तीन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है टैन इनवर्स अंडर रूट एक्स, दूसरा क्वेश्चन है सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर, तीसरा क्वेश्चन है कॉसेक इनवर्स अंडर रूट एक्स। तो ये तीन क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएट करना है टैन इनवर्स रूट एक्स। तो डिफ्रेंशिएट करना है टैन इनवर्स रूट एक्स, तो देखिए टैन इनवर्स, तो फार्मूला किसका बन रहा है, आपका फार्मूला बन रहा है टैन इनवर्स एक्स का। ओके ये देखिए फार्मूला बन रहा है टैन इनवर्स एक्स का, फार्मूला होता है 1/1 + x². तो जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 + x², ठीक है, ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब x तो है नहीं, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे रूट एक्स का, और ये देखिए ये हो गया 1/1 + √x² x हो जाएगा, और रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन बताया था मैंने 1/2 √x, तो आंसर आ गया 1/2 √x ब्रैकेट में 1 + x, ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया। नेक्स्ट आपके पास है sec इनवर्स x², इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देख सकते हैं sec इनवर्स का फॉर्मूला बताया था मैंने 1/x√x² - 1, 1/x√x² - 1। सोनू कह रहे हैं दिखाई दे रहा है, बेटा रिफ्रेश कर लीजिए अपने नेटवर्क को, दिखने लगेगा, पैनिक ना हो, बाकी ऑफलाइन भी देख लीजिएगा बाद में, अभी आप बने रहें। sec इनवर्स x², तो ये देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो 1/x, x की जगह पे कौन है x², ठीक है, तो 1/x अंडर रूट में x² होता है, यानी x² का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 1, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे x² को, तो ये हो जाएगा 1/x² अंडर रूट में x^4 - 1, और x² का डिफ्रेंशिएशन 2x, ये एक x से x कैंसिल आउट हो गया,
तो वैल्यू बची 2/x अंडर रूट में x की पावर 4-1। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड था, ये आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, इसको आप लगा लेंगे। ओके लग जाएगा, जल्दी से लाइक कमेंट करें। कॉसेक इनवर्स एक्स स्क्वायर, कॉसेक इनवर्स एक्स के फार्मूले में होगा, जल्दी से लाइक कमेंट करें, लगा लेंगे आप लोग। जल्दी से लाइक कमेंट करें, लग जाएगा। ओके कह रहे हैं लग जाएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक कमेंट करते रहें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका लग जाएगा, ठीक है। 4 का ये थर्ड नंबर मैंने होमवर्क दिया है, और ये थर्ड का थर्ड नंबर भी होमवर्क दिया है, इसको आप लगाइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दो क्वेश्चन आपके पास हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है टैन इनवर्स टैन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये आपके पास पहला क्वेश्चन है। ओके तो देखिए इस क्वेश्चंस में आप ध्यान रखिए, अगर हमने एक बात ये कहा था कि अगर ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला बन रहा हो, ला का कोई फार्मूला बन रहा हो, तो आप इसको जरूर लगाएं, उसके बाद इसको आप डिफ्रेंशिएट करें। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये एक फार्मूला बन रहा है यहाँ पर, फिर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसको हमने वाई के इक्वल ले लिया, मान लिया मैंने फंक्शन को। देखिए मैंने क्या कहा था, जो भी फंक्शन होता है आप उसको एफ एक्स लिख सकते हो या फिर वाई के इक्वल लिख सकते हो, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको पहले कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इसको हमने वाई के इक्वल ले लिया और y इज इक्वल टू ले लिया हमने। देखिए ये साइन प्लस कॉस है, तो इसको हमने लिख दिया कॉस प्लस साइन। भाई प्लस में आगे पीछे कैसे भी लिख दो, फर्क नहीं पड़ेगा। और ये क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये देखिए कॉस एक्स यहां से हमने कॉमन लिया, तो यहां क्या बचा, 1, और यहां क्या बचा, साइन अपॉन कॉस डिवाइड बाई, यहाँ पे कॉस एक्स कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1, और यहाँ बचा साइन अपॉन कॉस। ये कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ बच गया टैन इनवर्स 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, क्या होता है टैन एक्स। आवाज़ नहीं आ रही बेटा, आ जाएगी, आप पैनिक ना हो, अभी आ रही आवाज़। बबलू तिवारी आवाज़ आ रही है। ओके ये देखिए 1 प्लस टेन एक्स हो गया, और ये डिवाइड में क्या है, 1 माइनस टेन एक्स। टैन इनवर्स 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स, ये आपके पास वैल्यू बचती है। अभी डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं, अभी केवल कैलकुलेशन कर रहे हैं। ओके तो देखिए टैन इनवर्स 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला है, यहां पे लिख दें टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स, इसका फार्मूला होता है 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। टेन ए प्लस बी के फार्मूले से टेन 45 अंश का मान 1 हो जाता है, तो ये टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स की वैल्यू होती है। तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये देखिए इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, टेन का पाई बाई 4 प्लस एक्स, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। फिर मैंने फार्मूला बताया था टेन इनवर्स टेन थीटा, पीछे मैंने किया था, क्या होता है थीटा, ये इनवर्स का फार्मूला है। तो जब आप इसको लगाओगे टेन इनवर्स टेन हट जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी, पाई बाई 4। देखिए आपका कैलकुलेशन कितना आसान हो गया। तो भाई कहते हैं अगर कोई फार्मूला लग रहा हो, इनवर्स का फॉर्मूला लग रहा हो, ट्रिग्नोमेट्री की कोई प्रॉपर्टी लग रही हो, ला का कोई फॉर्मूला लग रहा हो, तो आप उसको जरूर लगाएं, उसके बाद आप इसको डिफ्रेंशिएट करें, अब आप इसको अवकलन कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो मैंने दो फलन, मतलब यहाँ पर इक्वल करके लिया हुआ है, तो दोनों पक्षों का आप अवकलन करेंगे, दो पक्ष हैं यहाँ पर,
तो दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए इसका जब अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे वाई, इसका अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स लिखेंगे, किसका करना है पाई बाई फोर प्लस एक्स का, ठीक है। अब यहाँ पर अगर एक्स होता, ठीक है, यहाँ पर क्या होता एक्स होता, तो डी बाई डी एक्स एक्स, तो एक्स का अवकलन क्या हो जाता वन, अब चूंकि एक्स तो है नहीं है कोई दूसरा फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, चूंकि ये क्या है चर राशि है, वाई एक चर राशि होती है, कांस्टेंट होता तो जीरो लिख देते। आगे बढ़िए तो डी बाई डी एक्स किसका लिखेंगे पाई बाई फोर, और प्लस डी बाई डी एक्स क्या लिखेंगे एक्स लिखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए पाई बाई फोर कॉन्स्टेंट है जैसे मैंने बताया था, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो, और यक्स का यक्स के हिसाब से डिफ्रेंशिएशन वन, तो इसका आंसर आ गया वन। तो ये देखिए ये जो फंक्शन है इसका जो अवकलन होगा वो कितना आएगा वन आ जाएगा इसका अवकलन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, जल्दी से लाइक कमेंट करें, यस लिखें। तो ये पांचवे का सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था। लाइक कमेंट करें जल्दी से। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, टैन इनवर्स वन प्लस टैन एक्स, वन प्लस टैन एक्स अपॉन वन माइनस टैन एक्स, ये आपके पास पांचवें का सेकंड नंबर क्वेश्चन है। तो पांचवें का सेकंड नंबर क्वेश्चन टैन इनवर्स वन प्लस टैन एक्स अपॉन वन माइनस टैन एक्स, ये पांचवें का सेकंड क्वेश्चन है आपका, और आप देख सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल ऐसा ही है। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो देखिए ये क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये तीन स्टेप अगर आप हटा दें तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, और इसको आप लगा लेंगे तो ये आपका होमवर्क है। आई होप आप इसको लगा सकते हैं, जल्दी से लाइक कमेंट कर दें। पांचवे का सेकंड आप लगा लीजिएगा, ये भी आपका होमवर्क है। ओके, तो आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर छह पर। क्वेश्चन नंबर छह बताया जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स में दो क्वेश्चन आपके पास हैं, पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स टू एक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरा क्वेश्चन आपके पास है साइन इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, तो इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए हम आपको यहाँ पर इनवर्स के कुछ फार्मूले बता दें जिससे आपका कैलकुलेशन में थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो इनवर्स में आपके पास फार्मूला होता है टू टैन इनवर्स एक्स, टू टैन इनवर्स एक्स के दो फार्मूले, तीन फार्मूले आपके पास होते हैं, आपको याद होगा, जैसे साइन टू ए का, कॉस टू ए का और टैन टू ए का, ठीक है, तीन फार्मूले आपने पढ़े थे, साइन टू ए का, कॉस टू ए का, टैन टू ए का, टैन के पदों में। तो उसी तरीके से आप इनवर्स में भी तीन फार्मूले होते हैं, टू टैन इनवर्स के तीन फार्मूले होते हैं, साइन वर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स। देखिए टू टैन इनवर्स का फार्मूला अगर साइन इनवर्स के पदों में कहें तो ये होता है 2x अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है टू टैन इनवर्स का फार्मूला। टू टैन इनवर्स का फार्मूला अगर हम कॉस इनवर्स में बात करें तो ये होता है वन माइनस एक्स स्क्वायर अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, और टू टैन इनवर्स का फार्मूला होता है, टैन इनवर्स में ही होता है, तो टैन इनवर्स 2x अपान वन माइनस एक्स स्क्वायर। टू टैन इनवर्स के तीन फार्मूले होते हैं, ये कैसे होंगे वहां पर प्रूफ कराए जाएंगे, और ये आपको याद रखना है, इससे आपको क्वेश्चंस लगाने में बड़ी सुविधा होगी, ठीक। ये इनवर्स के तीन फार्मूले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं
साइन इनवर्स 2x अपॉन 1+2। वैसे ये साइन वर्सेस का बन रहा है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉपर्टी भी बन रही है, तो पहले प्रॉपर्टी लगाएंगे उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। हम साइन वर्स का सीधे नहीं लगाएंगे। मैंने ये कहा था अगर प्रॉपर्टी या फार्मूला लगे तो उसको आप ज़रूर लगाइए, उसके बाद डिफरेंशिएट करिए। ओके तो चलिए साइन वर्स 2x अपॉन 1+2 इसकी हम बात करते हैं। तो देखिए ये आपका फार्मूला दिख रहा है ना, ये प्रॉपर्टी दिख रही है, इसका फार्मूला क्या होता है, 2 tan inverse x। तो इसकी जगह पे आप क्या ले सकते हो, इसकी जगह ले सकते हैं 2 tan inverse x। यहाँ पे चूंकि कर दीजिएगा, चूंकि करके ये प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखा दीजिएगा। अब देखिए 2 तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन किसका होगा, टैन इनवर्स एक्स का, और टैन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 upon 1+x². और ये देखिए आपका डिफरेंशिएशन हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखिए जब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, d/dx आपके पास है साइन इनवर्स 1 minus x² upon 1+x². जब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो ये भी प्रॉपर्टी हो सकती थी 2 tan inverse की, लेकिन कब, जब ये कॉस इनवर्स होता, जब ये यहाँ पर क्या होता, कॉस इनवर्स एक्स होता तो हमारी 2 tan inverse की प्रॉपर्टी बन जाती, लेकिन ये कॉस इनवर्स नहीं है, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है। ठीक है, देखिए साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में एक रिलेशन होता है, रिलेशन ये होता है कि अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, एक्स की जगह पे कोई भी एंगल हो सकता है, ये अगर वैल्यू है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, π/2। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम साइन इनवर्स एक्स की बात करें तो इसका होता है π/2 minus cos inverse x। ठीक है, ये फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो देखिए इसको अगर आप यहाँ पे अप्लाई करें, अभी इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं, पहले प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, अगर आप इसको अप्लाई करें ब्रैकेट में, देखिए π/2 लिखा और -cos inverse, और चलिए अप्लाई कर दीजिए 1 minus x² upon 1+x², ये आपने इसको अप्लाई कर दिया। अब d/dx को अंदर ले जाइए, तो d/dx π/2 और -d/dx cos इनवर्स 1 minus x² upon 1+x². और देखिए π/2 का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट था, -d/dx। अब देखिए कॉस इनवर्स एक्स बन रहा है ना, इसका प्रॉपर्टी क्या होती है, 2 tan inverse x, तो ये हमने लिख दिया। ठीक, अब इसको आप डिफरेंशिएट करिए, ये तो 0 था, 2 कांस्टेंट था, डिफरेंशिएशन किसका होगा, टैन इनवर्स एक्स का। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए -2 और टैन इनवर्स एक्स का क्या हो गया, 1 upon 1+x². तो आंसर आ गया -2 upon 1+x². इसको आप मान के भी लगा सकते थे, x बराबर टैन थीटा मान करके। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी पता है तो इस तरीके से आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे काफ़ी देर बाद यहाँ पर आते हैं लाइव वीडियो पर, तो सुबह आप जल्दी उठा करें, समझ सकते हैं कि सुबह उठने में प्रॉब्लम होती होगी सब लोगों को, तो सुबह जल्दी उठा करें और 7:50 पर आपकी क्लास स्टार्ट होती है तो आप उसको ज्वाइन करें। चलिए से लाइक कमेंट कर दें, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, जल्दी से लाइक और कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 7 चले, जल्दी से लाइक कमेंट कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, 3 क्वेश्चन आपके पास हैं। 7 का फर्स्ट है यक्स टैन इनवर्स एक्स, सेकंड नंबर साइन इनवर्स एक्स इंटू लॉग एक्स, थर्ड नंबर साइन इनवर्स एक्स की होल पावर एम
इंटू कॉस इनवर्स एक्स की होल पावर एन। अब आप देख सकते हो क्वेश्चंस कितने आसान हैं, 7 में 3 क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं। और यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड का है, दो फलन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड का फार्मूला अप्लाई करेंगे उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये क्वेश्चन भी देखिए दो फलन है, साइन वर्स एक्स लॉग एक्स दो फलन है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड का फॉर्म लगाएंगे उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। और यहाँ भी देखिए दो फलन है, इसमें भी हम फर्स्ट सेकंड का फॉर्म लगाएंगे और फिर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। फर्स्ट सेकंड का फार्मूला आपको बताया गया था, देखिए अगर दो फंक्शन गुणे में हो तो फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट लिखेंगे डिफरेंशिएशन सेकंड का, प्लस सेकंड लिखेंगे डिफरेंशिएशन फर्स्ट का। ये प्रॉपर्टी आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद फिर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लगा सकते हो, अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं कि 7 में कौन सा क्वेश्चन बता दें, हमारे ख्याल से आप लोग ये लगा सकते हो। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो आप इसको कमेंट में लिखें, फर्स्ट सेकंड या थर्ड कौन सा क्वेश्चन बता दें, जल्दी से कमेंट करें, फर्स्ट बताएं सेकंड या थर्ड, जो भी ज़्यादा नंबर आपके पास समझ में आएगा, मेजॉरिटी जिसकी ज़्यादा होगी वो क्वेश्चन बता देंगे यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड या थर्ड जल्दी से बताएं, कमेंट करें क्वेश्चन पे। अंशुल कह रहे हैं थर्ड नंबर, और बताएं भाई, कृष्णा गुप्ता थर्ड, सेकंड, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन लगना है, आप दोनों तीनों आसान है, मेजॉरिटी जिसकी ज़्यादा होगी वो क्वेश्चन बताएंगे हम। अभी तक थर्ड की मेजॉरिटी ज़्यादा आ रही है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की मेजॉरिटी ज़्यादा आ रही है, जल्दी से कमेंट करें फटाफट, जल्दी से कमेंट करें भाई, बहुत स्पीड में कमेंट करें, लाइक कमेंट करते रहें, जल्दी से कमेंट करें कौन सा बताएं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की मेजॉरिटी ज़्यादा, थर्ड की मेजॉरिटी ज़्यादा हो रही है, थर्ड बताया जाता है पहले। ओके, थर्ड नंबर की ज़्यादा मेजॉरिटी हो रही है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है इन दोनों क्वेश्चंस में, ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में लिए देते हैं, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया, और प्रॉब्लम आए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं आ जाएगा, हाँ आसान है, तीनों में फर्स्ट सेकंड का ही फॉर्म लगना है, उसके बाद डिफरेंशिएट करना है, तो थर्ड की मेजॉरिटी ज़्यादा हो रही है इसलिए थर्ड नंबर बता देते हैं एक बार। देखिए डिफरेंशिएट करना है आपको साइन इनवर्स एक्स की होल पावर एम इंटू कॉस इनवर्स एक्स की होल पावर एन, ये आपको डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कहा कि तीनों पे फर्स्ट सेकंड लग रहा है, आपको प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, देखिए फर्स्ट सेकंड की क्या प्रॉपर्टी थी, फर्स्ट सेकंड की फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन और प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये प्रॉपर्टी आप लगाएं यहाँ पर। तो जब आप इसको प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन लिया, अगर इसको फर्स्ट लें इसको सेकंड, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, सेकंड का, कॉस इनवर्स एक्स की होल पावर एन प्लस प्लस सेकंड लिखा, डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट का, डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट का, ये देखिए साइन इनवर्स एक्स की होल पावर एम। अब यहां पे देखिए कौन सा फार्मूला बन रहा है, एक्स की पावर एन बन रहा है, तो एक्स की पावर एन का फार्मूला मैंने बताया था, एक्स की पावर एन का फार्मूला आपको बताया गया था, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये देखिए एक्स की पावर एन का फार्मूला बताया गया था, एन बाहर आएगा, एक्स की पावर में क्या होगा, एन माइनस वन हो जाएगा। तो जब आप इसको अप्लाई करोगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा, एन बाहर आ जाएगा और कॉस इनवर्स एक्स की पावर में क्या होगा, एन माइनस वन, यक्स तो है नहीं, जब ये यक्स नहीं है तो अगेन डिफ्रेंशिएट कर दीजिए कॉस इनवर्स एक्स को, ठीक आगे बढ़ते हैं, प्लस किया कॉस इनवर्स एक्स की होल पावर एन, अब यहाँ पे देखिए वही एक्स की पावर एन बन रहा है, तो यम बाहर आ गया, साइन इनवर्स एक्स की होल पावर एम माइनस वन, और अगेन डिफ्रेंशिएट कर दीजिए साइन इनवर्स एक्स को, अब यहां पर हो गया n साइन इनवर्स x की पावर m
कॉस इनवर्स एक्स की पावर एन माइनस वन, और कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन अपॉन अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस करिए एम कॉस इनवर्स एक्स की पावर एन साइन इनवर्स एक्स की पावर एम माइनस वन, और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए माइनस पहले आ जाएगा तो ये प्लस वाला टर्म पहले लिख ले रहे हैं और माइनस वाला टर्म बाद में लिख ले रहे हैं, तो ये प्लस वाला टर्म बाद पहले लिख लेंगे। ये देखिए यम लिखा कॉस इनवर्स एक्स की पावर एन साइन इनवर्स एक्स की पावर एम माइनस वन, और डिवाइड में क्या है अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस वाला बाद में लिख ले रहे हैं यन साइन इनवर्स एक्स की पावर एम और कॉस इनवर्स एक्स की पावर एन माइनस वन और डिवाइड बाई अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए दोनों का एलसीएम सेम है, तो अगर दोनों का एलसीएम सेम है तो इसको आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम क्या आ जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एलसीएम इसका ले लेते हैं, तो देखिए जब आपने इसका एलसीएम लिया 7/3 का शेष भाग, ये देखिए जब आपने इसका एलसीएम लिया यहाँ पर, ठीक, तो एलसीएम आ जाएगा अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ बचेगा एम कॉस इनवर्स एक्स की पावर एन साइन इनवर्स एक्स की पावर एम माइनस वन, और माइनस एन साइन इनवर्स एक्स की पावर एम कॉस इनवर्स एक्स की पावर एन माइनस वन। आप चाहें तो इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, पीछे किस तरह क्वेश्चंस करवाए गए थे कॉमन लेने के, साफ नहीं दिख रहा है एक बार और बता दें बेटा, क्लियर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर आप पेशेंस रखो, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, आपने वहाँ पे चेक कर लो, इधर तो दिख रहा है। अभी और बता देते हैं एक बार इसको, ठीक है, ये पहले इसको कंप्लीट कर लिया जाए। तो ये देखिए आपके पास इसमें आप एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे एलसीएम क्या ले रहे हैं हम साइन इनवर्स एक्स की पावर एम माइनस वन, सॉरी एलसीएम कह रहे हैं यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं कॉस इनवर्स एक्स की पावर में एन माइनस वन, ये हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। तो देखिए ये बाहर हो गया, इससे हमने एन माइनस वन बाहर लिया, तो यहाँ क्या बचेगा खाली कॉस इनवर्स एक्स, और ये क्या बचेगा यम, तो यहाँ बचेगा यम कॉस इनवर्स एक्स माइनस, ये बाहर हो गया, यहाँ पावर में ये एन बचेगा और पावर में क्या बचेगा साइन इनवर्स एक्स की पावर वन बचेगा, और वन का मतलब क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, चूंकि इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एम आ जाएगा इन दोनों का, ठीक है, यहाँ पावर वन और यहाँ पावर एम माइनस वन, तभी तो एम बचेगा। और डिवाइड में क्या है आपके पास, डिवाइड में आपके पास है अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये देखिए आपके पास आंसर हो गया साइन इनवर्स एक्स की पावर एम माइनस वन कॉस इनवर्स एक्स की होल पावर एन माइनस वन एम कॉस इनवर्स एक्स माइनस एन साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 7 का 3rd नंबर। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को और ले लेते हैं, महेंद्र कुमार देखने लगेगा बेटा, आप एक बार नेटवर्क को रिफ्रेश कर लीजिए, अभी दिख रहा है जल्दी से बताएं, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। चलिए ठीक है, इसको फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं, आप देख लो 7 का 3rd नंबर क्वेश्चन था, अभी साफ दिख रहा है पहले ये बताओ, फिर इसको रिपीट करते हैं, जल्दी से लाइक कमेंट करें, साफ दिखाई पड़ रहा है, लाइक और कमेंट करें, जल्दी से लाइक कमेंट करें, साफ दिखाई पड़ रहा है, साफ दिखाई पड़ रहा हो तो यस लिख दें, दिख नहीं रहा, ओके ओके, थोड़ा पेशेंस रखें, नेटवर्क को रिफ्रेश कर लें, अभी आपको देखने लगे तो बताइए आप, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं एक बार, साफ दिखाई पड़े तो बताइए, उसके बाद रिपीट कर देते हैं हम, जल्दी से लाइक कमेंट कर दें, दिखाई पड़ रहा जल्दी से देखें,
इधर नेटवर्क बिल्कुल क्लियर है बेटा, एक बार आप नेटवर्क को रिफ्रेश कर लें। नहीं दिख रहा है अभी। ओके ओके ओके, नेटवर्क रिफ्रेश करें एक बार, अपने स्क्रीन पर थोड़ा सा टच करें। बासु यादव कह रहे हैं दिख नहीं रहा है। अच्छा, उपेन कुशवाहा नहीं दिख रहा है, आलोक कुमराव नहीं दिख रहा है। पेशेंस रखें, परेशान ना हो, ऑफलाइन वीडियो रहेगा, आप उसको देख सकते हैं। और एक बार स्क्रीन को अपने टच कर लें, अभी दिखने लगेगा। ठीक है, परेशान ना हो भाई, यहाँ तो नेटवर्क बिल्कुल ओके है, एक बार हम भी रिफ्रेश कर लेते हैं। जल्दी से एक लाइक कमेंट करें। नेटवर्क को मैंने रिफ्रेश कर लिया है, अभी स्पीड तो इधर सही है। ओके, दिखाई पड़ रहा, जल्दी से लाइक कमेंट करें। यस लिखें। नेटवर्क दिखाई पड़ रहा हो तो यस लिखें, दिख रहा हो तो यस लिखें जल्दी से। ओके, दिख रहा है। सभी को क्लियर नज़र आ रहा हो तो यस लिखें। ओके, दिख रहा है। तो चलिए, अब आपको दिख रहा है तो एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट, तो 7 का थर्ड पार्ट ये था कि साइन इनवर्स एक्स इंटू कास इनवर्स एक्स की होल पावर एम, इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करो। तीनों क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड के हैं, ये दो क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। देखिए, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड का फार्मूला प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन और प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये प्रॉपर्टी बताई थी। इस प्रॉपर्टी को आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये देखिए, अगर इसको फर्स्ट लें इसको सेकंड, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को लिखा इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट हमने लिखा और कॉस इनवर्स एक्स की होल पावर एन, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगाइए। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला आपको बताया गया था एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो अगर इसको एक्स की तरह ट्रीट करें, देखिए एन बाहर हो जाएगा और कॉस इनवर्स एक्स की पावर एन माइनस वन, एन तो है नहीं है, अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए कॉस इनवर्स एक्स को, फिर प्लस लगाया कॉस इनवर्स एक्स की होल पावर एन लिखा, फिर ये देखिए एक्स की पावर एन बन रहा है वही फार्मूला, एम बाहर आया, साइन इनवर्स एक्स की पावर एम माइनस वन, एक्स नहीं है, अगेन डिफरेंशिएट किया साइन इनवर्स एक्स को। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, ये हमने वैसे लिख दिया कॉस इनवर्स एक्स की होल पावर एन माइनस वन लिख दिया, और कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला माइनस वन अपान अंडर रूट वन माइनस स्क्वायर, ये इसका अवकलन होता है, प्लस करके यम लिखा कॉस इनवर्स एक्स की होल पावर एन साइन इनवर्स एक्स की होल पावर एम माइनस वन, और साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए, यहाँ पे ये बाहर माइनस आ जाएगा, तो ये प्लस वाला टर्म हम पहले लिख रहे हैं और ये माइनस वाला टर्म बाद में लिख रहे हैं, तो ये पूरा प्लस का टर्म था पहले लिख लिया। यम लिखा कॉस इनवर्स एक्स की होल पावर एन साइन इनवर्स एक्स की होल पावर एम माइनस वन, और डिवाइड में क्या है अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस लगाया एन साइन इनवर्स एक्स की होल पावर एम कॉस इनवर्स एक्स की होल पावर एन माइनस वन, और डिवाइड में है अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पर इसका शेष भाग मैंने दूसरे में कर दिया है, दोनों देखिए सेम वैल्यू है, दोनों सेम वैल्यू है, एलसीएम सेम आएगा, अंडर रूट वन माइनस स्क्वायर एलसीएम ले लिया मैंने, तो ऊपर आपके पास वही टर्म बच गया। अब इसमें आप कॉमन भी ले सकते हैं, तो कॉमन देखिए यहाँ से मैंने पावर में एम माइनस वन साइन वर्सेस का और कॉस इनवर्सेस की होल पावर एन माइनस वन, ये कॉमन ले लिया, तो जब यहाँ पे ये मैंने कॉमन लिया तो ये तो चला गया बाहर आ गया, यम बच रहा है, और इससे मैंने क्या बाहर लिया एन माइनस वन, तो जब इससे मैंने एन माइनस वन बाहर लिया पावर का, तो यहाँ क्या बचेगा कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो यन आएगा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास क्या है, देखिए यन लिखा और यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स एक्स की पावर, यहाँ से यम है और यम माइनस वन बाहर ले रहे हैं, तो क्या बचेगा पावर में वन बच जाएगा, फिर यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स की पावर एन माइनस वन बाहर कर लिया, तो ये आपके पास देखिए आंसर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट, इसमें से आपको दो क्वेश्चन होमवर्क में दिए गए हैं फर्स्ट सेकंड करके। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन का 7 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो रहा है। तो आपके एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चन लगाए जा चुके हैं, आपका जो होमवर्क है आपको बता दें क्या क्या आपका होमवर्क में दिया गया है क्वेश्चंस।
देखिए होमवर्क में आज आपका क्वेश्चन जो नज़र आ रहा है, पहला का मैंने तीनों चारों क्वेश्चंस करवा दिए हैं, दूसरे के चार दोनों क्वेश्चन हो गए हैं, तीसरे का थर्ड नंबर होमवर्क है आपका। तीसरे का थर्ड नंबर होमवर्क दिया गया है काट कास इनवर्स एक्स, ये आपका होमवर्क है। इसके बाद में चौथे क्वेश्चन का थर्ड नंबर आपको होमवर्क में दिया गया है कासेक इनवर्स रूट एक्स, ये आपका होमवर्क है। चौथे के बाद पांचवा क्वेश्चन आपका, दो क्वेश्चन है उसमें, एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया है और दूसरा क्वेश्चन 20 से ही आपका स्टार्ट होता है, ये भी आपका होमवर्क में दिया है। हालांकि वो पांचवे का फर्स्ट ही क्वेश्चन है, अगर पांचवे के फर्स्ट में तीन स्टेप आप ऊपर के हटा दीजिए तो वो आपका पाँचवें का सेकंड क्वेश्चन बन जाता है। ये देखिए तीन स्टेप अगर हटा दे तो यहाँ से आपका सेकंड स्टार्ट होगा सोल्यूशन उसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर छः, क्वेश्चन नंबर छः में दोनों क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं और क्वेश्चन नंबर सात के दो क्वेश्चन आपके पास हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास यक्स टैन इनवर्स एक्स फर्स्ट सेकेंड लगेगा इसमें, और दूसरा क्वेश्चन आपके पास है साइन इनवर्स एक्स इंटू लाग एक्स, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन आपका है सातवें का, ये भी फर्स्ट सेकंड से लगेगा। तो ये आपके पांच क्वेश्चन होमवर्क में हैं। ऑफलाइन वीडियो पड़ा रहेगा हिमांशु, इसको आप देख लीजिएगा, परेशान ना हो आप। तो ये आपके पास होमवर्क था। एक क्वेश्चन ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हैं आपके पास, तो ये क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो आज आपकी क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आज सात क्वेश्चंस आपके बता दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 7C के, और कल एक्सरसाइज लगभग ख़त्म पर हो जाएगी। ये जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करवाए गए हैं, इन सभी को अभी हम आपके फेसबुक अकाउंट पे आपके तो वीडियो पड़ा ही हुआ है, इसको आप ऑफलाइन देख लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चंस व्हाट्सएप ग्रुप की फ़ोटो अभी क्लिक करके हम व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर दे रहे हैं, तो आप उसको वहाँ से देख लीजिएगा। और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर दिया करें। जो ऑफलाइन वीडियो कल डाला था वो भी आप लोगों ने देख लिया होगा, सेशन पार्ट फोर, वो आपका लाइव नहीं बन पाया था कल, लाइव में प्रॉब्लम आ रही थी नेटवर्क की वजह से, तो वो रिकॉर्ड करके आपका डाल दिया गया था, उसके साथ दो क्वेश्चन और डाले गए थे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने वो क्वेश्चंस देखे होंगे और उसको अपनी कॉपी पर राइट डाउन कर लिया होगा। अगर ना देखा हो तो आप सेशन फोर नाम से पढ़ा हुआ है, आज का सेशन फाइव है आपका, उसको ज़रूर देख लीजिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर कर दें, तो इससे क्लियर हो जाता है कि कितने लोगों ने वीडियो को देखा है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा आपकी जो समस्या होगी, तो उसको हम क्लियर कर देंगे। ओके, थैंक यू। अंशुल कुमार, एक्सरसाइज 5B का
फोर का थर्ड नंबर। ओके, हम देख लेंगे और उसको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, आप इसको देख लीजिएगा। ओके, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता दीजिए। अंशुल कुमार 5 भी आप जरा पीछे देख लीजिए, 4 का ये जो आपने पूछा है, ठीक है, ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं, ये क्वेश्चन बताया जा चुका है। आप जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में आपकी पोस्ट डाली गई थी उसको आप देख लीजिए, वहाँ पे ये क्वेश्चन लगा हुआ है। और फिर भी अगर क्लियर ना हो रहा तो आप बता दीजिए, हम उसको फिर से दोबारा कर रहे हैं। ओके।